गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। अंदर सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी वो रहने वाली है हमारी इसकी टेस्ला डिस्प्ले, जो कि हाइपरसोनिक की रहने वाली है। फुल एकदम बढ़िया आपको इसमें आपको रिस्पांस मिल जाता है, काफी बड़ा पूरा एक टैबलेट आपको मिल जाता है। एसी कंट्रोल्स पूरे आपको इसमें मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं इसकी होम स्क्रीन पे अगर आपको लेकर आऊँ एक बार, तो ये हमने एसी कंट्रोल और इस पर फॉर्च्यूनर बनी मिल जाएगी सर। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप पूरा पार्ट देख सकते हो, ये हमारा हाइड्रो डिपिंग है। तो ये हाइड्रो डिप करके हमारा लगाया जाता है गाड़ी के अंदर और ये काफी जबरदस्त लग रहा है हमारा। उसी के साथ में आप ये देख सकते हो हमारी डोर पैड की स्टिचिंग, इसके अंदर एक्स्ट्रा फोमिंग के साथ स्टिचिंग हुई है और काफी सही लुक आपकी गाड़ी में ये दे रहा है। बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो भाई आज हम ऐसे बंदे के साथ खड़े हैं जिस बंदे का मतलब जब से गाड़ी में सिस्टम लगना शुरू हुआ था तब से भाई का इतना ज्यादा नाम है। भाई का करोलबाग कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली में सब बंदे जानते हैं भाई। भाई का क्या कहते हैं, अफा भाई, क्या कहते हैं नाम तो बता दो। अप्पा, अप्पा भाई को यूँ कहते हैं क्योंकि भाई शुरू से ही सिस्टम में कुछ ज्यादा भाई को कीड़ा था। और भाई के पास ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे यूज सिस्टम हो चाहे कुछ भी। वैसे मैंने अपनी सिविक में पूरा सिस्टम भाई ने इंस्टॉल करके दिया था, तो आज छोटा सा कुछ अपग्रेड अपनी गाड़ी में भी कराने आया तो यहाँ पे मैं आया तो मेरे को भाई की दुकान पे एक फॉर्च्यूनर मिली। मैंने कहा चलो यार इसका वीडियो बनना चाहिए, ये कोई पेड वीडियो नहीं, भाई मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं दे रहे वीडियो बनाने के लिए। मेरे को लगा काम अच्छा हुआ है गाड़ी का, एक नया लुक दिया हमने फॉर्च्यूनर को, तो वो आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं। तो भाई कितना टाइम हो गया तुम इस लाइन में काम करते हुए? मेरे को काम करते हुए 18 साल हो गए। 18 साल हो गए, मतलब जब ये डीएसपी वीएसपी आया था उस टाइम से तुम काम कर रहे हैं। बहुत पुराना, क्या बात है। तो भाई भाई ने शॉप ली है तो मैं आपको शॉप दिखाता हूँ भाई की, बिल्कुल बढ़िया। जैसे अभी भाई की काम की स्टार्टिंग है, बट भाई एक प्रोफेशनल बंदा है जिसको इतनी नॉलेज है, शायद ही आज के डेट में दिल्ली में कुछ ही लोगों को इतनी नॉलेज होगी इतनी हमारे भाई को है। क्यों भाई शर्मा क्यों रहे हो तुम? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं भैया। बाकी भाई ने बहुत मेहनत से और बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी तैयार करके दी है। भाई के रेगुलर कस्टमर है जिनकी कार है, कस्टमर से भी आपको मिलवाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना पूरा वीडियो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख सकते हो हमारी टाइप 2 फॉर्च्यूनर, वैसे टाइप 3 हम इसको कह सकते हैं, जिसमें आपके ब्लैक वाले अलॉय व्हील्स आए थे। ये आपका 2014 से 15 वाला मॉडल है गाड़ी का, और ये आगरा से आए थे भाई जिनकी गाड़ी है। तो भाई क्या क्या काम करा इसमें, मैं आगे से बताऊं। इसके अंदर आगे से ये वाली जाली चेंज करी है, ये क्रोम, हाँ ये क्रोम वाली ये भी चेंज करी है आगे। डिया इसके अंदर एलईडी लाइट जली है, एलईडी डाली है। हाँ, और इसमें तो हमारा एचआईडी आता है, इसमें हमने एलईडी डाली है। क्या बात है। और नीचे फॉग लाइट में, फॉग लाइट येलो ही रहने दी है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि फॉग की वजह से हमारे को फॉग लाइट येलो ही। हाँ, जैसे अभी कुछ ज्यादा ही फॉग हो रहा है जाती सर्दी में दिल्ली में। ठीक है, और क्या करा है भाई इसमें? और इसके अंदर साइड में चलते हैं, साइड के अंदर ये हैंडल हैंडल क्रोम जो है। तो गाइस पीछे से हमने इसकी टेल लाइट चेंज करी है, जो कि हमारी वी लैंड रहने वाली है। तो इसकी टेल लाइट जो है वी लैंड कंपनी की रहने वाली है, और ये आफ्टर मार्केट कंप्लीट टेल लाइट्स हैं, वो काफी कूल लगती है भाई। कौन सा डिजाइन कहते हैं भाई इसको हम? ये ऑडी डिजाइन कहते हैं, ऑडी डिजाइन। बाकी इसमें मैट्रिक्स नहीं आता, बाकी नॉर्मल डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप हमारा लेक्सस वाला डिजाइन भी कह सकते हो, और लैंड क्रूजर वाला डिजाइन भी आप इसको कह सकते हो। तो काफी सही लुक फॉर्च्यूनर का, इससे कंप्लीट पीछे का चेंज हो जाता है। चलते अंदर की तरफ, मेन काम अंदर करा है भाई तुमने? हाँ जी, अंदर का है पूरा मेन मामला, तो दिखाते अंदर। गाड़ी के अंदर आ चुके, अंदर सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी वो रहने वाली है हमारी इसकी टेस्ला डिस्प्ले, जो कि हाइपरसोनिक की रहने वाली है। फुल एकदम बढ़िया आपको इसमें आपको रिस्पांस मिल जाता है, काफी बड़ा पूरा एक टैबलेट आपको मिल जाता है। एसी कंट्रोल्स पूरे आपको इसमें मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं इसकी होम स्क्रीन पे अगर आपको लेकर आऊँ एक बार, तो ये हमने एसी कंट्रोल और इस पर फॉर्च्यूनर बनी मिल जाएगी आपको। और क्या क्या फीचर होते हैं भाई स्क्रीन के हमारे? इसके अंदर आपके पहले कीपैड वाले आते हैं, तो फिर इनको टच कर दिया जाता है, टच पैनल के अंदर बदल दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एसी कंट्रोल्स पूरे। एसी कंट्रोल्स जो है ये जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये बढ़ता चलेगा। देखो ये फ्रंट वाला है और ये रियर वाला है, रियर वाला ये हमारा टेम्परेचर हो गया, ड्यूअल टेम्परेचर हो गया। क्या बात है, मतलब ड्यूअल टू आपको एसी मिल जाएगा इसमें पूरा कंट्रोल, क्योंकि एसी का कंट्रोल जो है यहाँ पर आता है एसी का पैनल इसमें, जो कि हमारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है, और वो बटन वाला रहता है। इसको हमने टोटली टेस्ला डिजाइन में से टेस्ला गाड़ी में आता है उस तरीके से हमने इसको चेंज करा है। बाकी ये जो हमारा टेस्ला है इसमें आपको काफी अच्छा म्यूजिक का आउटपुट मिल जाता है, और भाई म्यूजिक में भी तुमने काफी काम करा है गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे इसमें हमने कंपोनेंट इंस्टॉल करे हैं, कंपोनेंट इंस्टॉल करे हैं, डैम्पिंग करी है, डैम्पिंग करने के बाद इसमें एम्पलीफायर लगाया, एम्पलीफायर लगाया, फ्लोरिंग करी है, उसके बाद में पीछे बूफर लगाया, रॉकवुड का बूफर लगाया हमारा, एम्पलीफायर रहने वाला है 4 चैनल का हमारा, बिकॉज जो कार के ओनर उनको ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं चाहिए था, बट एक चाहिए था कि बेस हो गाड़ी में और एक सुनने सुनाने लायक म्यूजिक हो।
तो एक सिंपल डिसेंट आउटपुट वाला सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल करा। बाकी मेन काम जो इसका फुल्ली हमने इंटीरियर गाड़ी का पूरा रिस्टोर करा, इसको आप रिस्टोर कह सकते हो कंप्लीट। एक एक वुडन का काम हुआ है गाड़ी में, तो मैं सारी चीज आपको दिखाना चाहूंगा कैसे हुआ है। इधर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप पूरा पार्ट देख सकते हो, ये हमारा हाइड्रो डिपिंग है। तो ये हाइड्रो डिप करके हमारा लगाया जाता है गाड़ी के अंदर, और ये काफी जबरदस्त लग रहा है हमारा। उसी के साथ में आप ये देख सकते हो हमारी डोर पैड की स्टिचिंग, इसके अंदर एक्स्ट्रा फोमिंग के साथ स्टिचिंग हुई है, और काफी सही लुक आपकी गाड़ी में ये दे रहा है। उसके बाद आप इधर देख सकते हो जहाँ पे हमारा पावर विंडो कंट्रोल होता है, यहाँ पे भी पूरा हमने हाइड्रो डिप करके इसको वुडन करा है। वुडन इंटीरियर इसको एक्चुअल में हम कहते हैं, और ये आपका काफी कम प्राइस में हमारे रवि भाई आपकी गाड़ी में करके दे देंगे। चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, सब में आपको ये चीज मिल जाएगी, और इसकी प्राइसिंग काफी कम है। प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, फिलहाल आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है। बाकी आप देख सकते हो इसकी नेट वाली जाली भी हमने लगाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे सीट कवर्स, तो एक बार सीट कवर्स दिखा देता हूँ मैं। तो भाई इसके सीट कवर्स की जो हालत थी काफी खराब हो गई थी गाड़ी की, खराब थी। ये पुराने डिजाइन के हिसाब से थी, प्योर लेदर इसका सड़ चुका था। अब ये जो हमने लेदर लगाया ये बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन लगाया, इसकी 5 साल की गारंटी हो, 5 साल की। अब आप लोग सोच रहे हो जो सिल्वर टायर है ये OEM डिजाइन होता है, ऐसा कंपनी से आता है, वही सेम डिजाइन रखा गया है इसमें। जो हल्की फुल्की सुकड़न होती है, आप कोई सी भी गाड़ी देख लो, चाहे होंडा की कोई भी गाड़ी देख लो, सिविक देख लो, सिटी देख लो, अकॉर्ड देख लो, फॉर्च्यूनर में आप देख सकते हो, टोयोटा की गाड़ी फॉर्च्यूनर, ऑल्टिस वगैरह सब में इस टाइप का डिजाइन आता है, ये सिल्वर वाला, और ये काफी सही लगता है। ये इसका डिजाइन है, ये कोई आपकी सिल्वर नहीं है। बट जो एक्चुअल जो फिटिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल बकेट फिटिंग के साथ व्हाइट स्टिचिंग में डबल टोन हमारा सीट कवर जिसमें लगाया गया है, जो कि काफी सही लगते हैं गाड़ी में। तो ये मतलब OEM चीजों का ध्यान रखते हैं, पूरा गाड़ी को ऑल ब्लैक कर दिया अंदर से। ये स्टीयरिंग कवर भी हमारा ऐसा है। तो मैं स्टीयरिंग कवर दिखाने से पहले आपको हमारा आर्मरेस्ट दिखाना चाहूंगा। इसमें भी आप देख सकते हो डबल स्टिचिंग के साथ, मतलब स्टिचिंग करी गई है, स्टिचिंग के बाद इसके ऊपर लेदर लगाया गया है, और इसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग की गई है जिससे आपका कंफर्ट बिल्कुल रहे ड्राइविंग करते टाइम। तो जैसे आप इसके ऊपर हाथ रखोगे, ये देख सकते हो, ये देख लो भाई, एक्स्ट्रा फोमिंग करी गई है इसमें, मेमोरी फोम डाला गया है, और सीट कवर्स भी हमारे मेमोरी फोम के साथ हैं। मेमोरी फोम बहुत मुश्किल से मिलता है, बट भाई ने हमारा लगा के दिया, और सीट कवर्स काफी अच्छे डिजाइन के साथ बढ़िया तरीके से सीट कवर्स गाड़ी में इंस्टॉल हुए हैं। तो इधर से मैं आपको स्टीयरिंग कवर दिखाता हूँ। तो ये स्टीयरिंग कवर के साथ इस पार्ट को भी हमने वुडन करा है, उसके बाद ये कंपनी से आता है इतना वुडन, बट हमने इसको फिर से वुडन करा है। उसके बाद आप इधर वाला पार्ट भी देख सकते हो, फुल हमारा स्टिचिंग के साथ। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा वुडन करा गया, जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं आता, ये नॉर्मल आता है आपका, तो इसको भी वुडन करके गाड़ी का लुक काफी हद तक इन्हांस कर दिया गया। उसके बाद आप इधर देख सकते हो हमारे पावर विंडो कंट्रोल्स, उसके बाद ये हमारा पूरा पार्ट, और ये काफी सही लग रहा है हमारा, ये हमारा एंड्रॉयड रहने वाला है। हम चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो भाई सिस्टम में इसमें कौन सी कंपनी के हमने कंपोनेंट इंस्टॉल करें, एक बार बता दो जरा। इन्फिनिटी के कंपोनेंट लगाए हैं इसके अंदर, एडिशन की हमने वो लगाई है डैम्पिंग शीट, एम्पलीफायर लगाया है इसके अंदर रॉकवुड का, रॉकफोर्ड का एम्पलीफायर लगा है, और रॉकफोर्ड का हमारा बूफर है, रॉकफोर्ड का बूफर है, और पीछे हमारे कोएक्सियल स्पीकर्स होगा इन्फिनिटी के। तो हमारे जो कंपोनेंट है वो हमारे कौन सी सीरीज के हैं? ये अपना प्राइम सीरीज है, प्राइम सीरीज। प्राइम सीरीज मतलब काफी हैवी होती है, इससे ऊपर भी हैवी आती है, बट ये बहुत बढ़िया कम बजट में कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो चलो आपको हम सुनाते हैं इसका आउटपुट कैसा रहने वाला है। हमने एंड्रॉइड से कनेक्ट कर दिया इसको, तो सुनते हैं अब हमारा आउटपुट। आउटपुट अब मैं आपको एक बार लाइट रिस्पांस और दिखाना चाहूंगा इस गाड़ी का। देखो जैसे सामने अंधेरा है हमारा, ये मैं ऑन करूंगा, ये हमारी सिर्फ लो बीम है। उसके बाद ये हमने मेन हेडलाइट ऑन करेंगे, ये हमारी हाई बीम हो गई। हाई बीम में हमने LED डाली है, इसमें आपका हेलोजन बल्ब आता है, ये आप देख सकते हो लाइट रिस्पॉन्स। LED कौन सी रहने वाली है भाई हमारी? इसमें हमने उसकी क्या नाम है आपको पसंद आओ तो मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। हमारे भैया, भैया क्या नाम है आपका? और भैया आपका? अनिल। अनिल, तो आप कैसा लगा आपको काम गाड़ी का? बहुत बढ़िया लगा।
मतलब जैसा आपने पैसा खर्च करा उस हिसाब से कोई कमी आई हो? कोई कमी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इन्हीं से कराते हो आप? कितना कितना टाइम हो गया आपको इनसे काम कराते हुए? एक साल हो गया। अच्छा काम करते हैं ना भाई, बिल्कुल। क्योंकि भाई देखो, हम ये नहीं चाहते हमारे किसी व्यूअर के साथ गलत हो, क्योंकि सब बंदे गाड़ी को कुछ ज्यादा प्यार करते हैं अपनी, तो हम ये सोचेंगे कि हर किसी को बढ़िया काम मिले। जेनुइन काम हो रहा है भाई यहाँ पे, जेनुइन काम मेरे लिए जेनुइन हुआ है। बाकी लोग आए पता करें। और प्राइसेस में क्या था? बिल्कुल बिल्कुल अफोर्डेबल है, बिल्कुल। कोई ज्यादा आपको लगा कोई चार्ज लिया गया? जो क्वालिटी दिखा रहे हैं वही लगा रहे हैं आपकी। ओके थैंक यू भैया। ओके देख लिया गाड़ी का काम हमारा पूरा हो चुका है, कस्टमर रिव्यू भी हमने ले लिया। अब बात करते हैं बजट की, तो कितना खर्चा आ गया भाई गाड़ी में? ये 56 का इन लोगों को टोटल पड़ा है, 56 जिसमें एंड्रॉइड भी हमारा। अच्छा एंड्रॉइड हटा लेते हैं, हमारा सीट कवर सिस्टम और फ्लोरिंग जितना भी काम हुआ है वुडन वगैरह कितना पड़ गया? ये पड़ेगा फिर आप एंड्रॉइड हटा दोगे तो ये आपको 33 के आसपास पड़ेगा, मतलब 30-32 हजार। बाकी जो हमारे थ्रू आएंगे उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए भाई, वो तो खैर कोई जो बोलेगा कि भाई आप लोग को बोलना है ब्लॉगर अमन की वीडियो देख के आपके पास आए तो भाई डिस्काउंट दे देंगे। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा भैया? जो भी कुछ होगा, बाकी हमें लेबर अलग से नहीं लगा, बाकी करोल बाग से भी ज्यादा काफी रीजनेबल प्राइस पे भाई काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग ने प्राइस डिफरेंस को देख ही लिया होगा, भाई के पास हर गाड़ी मॉडिफाई हो जाती है और ओल्ड सिस्टम में भी भाई डील करते हैं, पुराना सिस्टम जो बंदे शौकीन है। दिखाना चाहूंगा जैसे यहाँ पे वेस्ट ट्यूब रखी हुई है, ये सब वूफर रखे हुए, इधर भी एक सब वूफर है, इधर एक इनक्लोजर है, ये कीकर का है, तो ऐसी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं भाई के पास। पहले भाई सिर्फ ओल्ड सिस्टम में डील करते थे, अब भाई ने ऑल ओवर सारा काम करा लिया। बाकी इधर आप देख सकते हो सीट कवर्स का पूरा स्टॉक है, इधर आपको मैट्स मिल जाएंगे। और भाई ओईएम स्टीरियो में भी डील करते हैं, ऐसे कंपनी के आते हैं। ये होंडा सिटी आईवीटेक का है, ऐसे और भी पड़े हुए हैं ना भाई? हाँ जी हाँ जी, ऐसे आईवीटेक और i20 वगैरह के भी हैं, ये देखो जैसे ये रखे हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा। ओ क्या बात है, ये कंपनी के स्टीरियो होते हैं, बाहर नहीं इतनी जल्दी मिल पाते, जैसे आपका कंपनी का स्टीरियो खराब हो जाता है तो हमारे पास ये भी अवेलेबल होता है। ये भी अवेलेबल होता है। और इसका प्राइस? इसका प्राइस ज्यादा नहीं आता, कोई 3,000 रुपए स्टीरियो होता है। 3,000 में और कम में दे दोगे? 2,500 रुपए में दे दोगे? मौके पे जो होगा। बाकी देख सकते हो होंडा का ओरिजिनल स्टीरियो, बहुत सी चीजें भाई के पास मिलेंगी। अभी वीडियो आज ही खत्म करते हैं, अगली वीडियो से आपको और बढ़िया बढ़िया चीजें। स्टीयरिंग कंट्रोल भी हमारे पास में अवेलेबल है हर गाड़ी के, स्टीयरिंग माउंटेड बटन, ये जैसे आप देखना चाहो। तो ये किसके हैं? ये अभी ब्रीज आगे। क्या बात है, ये ओरिजिनल वाला है, ये लोकल वाला नहीं है। ये इसके अंदर ब्लूटूथ आपका साइड में मिलता है, और जो बाहर से फिट हुआ होता है उसके अंदर यहाँ पे ब्लूटूथ के बटन आते हैं। ये जेन्युइन पार्ट है हमारा मारुति का। क्या बात है, बाकी भाई के पास आपको फिल्म वगैरह भी मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएंगी आपको। पायनियर के स्टीरियोज हैं और ये काफी सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो चीज अवेलेबल नहीं होगी वो भाई के गोडाउन पे रखी हुई, बिकॉज ऑन रोड शॉप है, इतना ज्यादा सामान रख नहीं सकते। तो बाकी बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी, बाकी कॉन्टेक्ट कर लेना। इनका बोर्ड है, आप एक बार बोर्ड चेकआउट कर लो, JMD कार एसेसरीज करमपुरा। बाकी फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर भी है फोन नंबर रवि, और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा।